हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि सी प्लस प्लस में इनपुट और आउटपुट के लिए हम कौन से फंक्शन यूज़ करते हैं, यानी कि हम बात करने वाले हैं सी आउट, सी इन और एंड एल स्ट्रीम फंक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सी प्लस प्लस में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं। तो C++ में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम स्ट्रीम कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, और स्ट्रीम कॉन्सेप्ट के लिए इनपुट और आउटपुट जो हमारा प्रोसेस है उसमें इनपुट के लिए सी इन स्ट्रीम यूज़ होता है, वहीं आउटपुट के लिए सी आउट स्ट्रीम यूज़ होता है। अब बारी बारी से इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सी आउट स्ट्रीम के बारे में। ये एक स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है, और सी आउट एक प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है ओ स्ट्रीम क्लास का। ओ स्ट्रीम का फुल फॉर्म होता है आउटपुट स्ट्रीम, वहीं सी आउट का फुल फॉर्म होता है कंसोल आउटपुट। जो सी आउट स्ट्रीम होता है उसका यूज़ कंसोल पर आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं सी इन स्ट्रीम के बारे में। ये एक स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम होता है। सी इन एक प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है आई स्ट्रीम क्लास का। आई स्ट्रीम का फुल फॉर्म होता है इनपुट स्ट्रीम, वहीं सी इन का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट। जो सी इन स्ट्रीम होता है इसका यूज़ कंसोल से इनपुट को रीड करने के लिए किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं एंड एल स्ट्रीम के बारे में। ये एक स्टैंडर्ड एंड लाइन स्ट्रीम होता है, और जो एंड एल स्ट्रीम होता है ये एक प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है ओ स्ट्रीम क्लास का, यानी कि आउटपुट स्ट्रीम क्लास का एक प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है जिसका यूज़ न्यू लाइन को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। अब इन सारी स्ट्रीम फंक्शन को हम लाइव एग्जांपल के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आप भी इनका यूज़ C++ प्रोग्रामिंग के इनसाइड बेटर तरीके से कर पाएं। तो यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में आपको ये ध्यान रखना है कि प्री प्रोसेसिंग होता है, तो आप यहाँ पर ये वाला लाइन लिखेंगे हैस इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यानी कि जितने भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए स्ट्रीम फंक्शन होते हैं वो सब इसी के इनसाइड होते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है, तो एग्जीक्यूशन के लिए हम यहाँ पर मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, बारी बारी से हर स्ट्रीम को समझना है। तो मैं यहाँ पर सी आउट स्ट्रीम का यूज़ कर रहा हूँ। सी आउट स्ट्रीम का यूज़ किया जाता है कंसोल पर आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, इंटर ए वैल्यू। तो जब मैं इसे कंपाइल और रन करूँगा तो मुझे कंसोल पर इंटर ए वैल्यू मैसेज प्रिंट हुआ दिखेगा, लेकिन ये कब चलेगा, जब मैं यहाँ पर एक लाइन लिखूँगा। मैं क्यों लिखूँगा ये भी बताऊँगा आपको। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखूँगा तो एरर आ जाएगा। मैं कमेंट करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पर ये मैंने कमेंट किया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर इसे कंपाइल करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर शो हो चुका है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बता रहा है कि जो सी आउट है वो स्कोप के इनसाइड नहीं है। स्कोप के इनसाइड नहीं होने का मतलब ये है कि सी आउट जो है वो आईओ स्ट्रीम नेम की जो हेडर फाइल है उसके इनसाइड एसटीडी नेम के नेम स्पेस के इनसाइड होता है। इस वजह से आपको ये वाला जो लाइन है इसे लिखना पड़ता है। जितने भी आईओ स्ट्रीम के इनसाइड स्टैंडर्ड स्ट्रीम फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे एसटीडी के इनसाइट ही होते हैं। इस वजह से उन सब के लिए आपको एक बार ये लाइन लिख देना है, फिर दोबारा आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर मैं इसे कंपाइल और रन करता हूँ। आप सीएमडी पर देख पाएंगे यहाँ पर हमें एक मैसेज मिला है इंटर ए वैल्यू। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सी आउट स्ट्रीम का क्या मतलब होता है। अब मैं चाहता हूं कि अगली वैल्यू न्यू लाइन पर हो, तो इसके लिए मैं एंड एल यानी कि एंड ऑफ लाइन इस स्ट्रीम फंक्शन का यूज़ करूंगा। तो मैं इसे यहां पर लिखूंगा
इसके बाद फिर से मैं यहाँ पर कंपाइल और रन करूँगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कर्सर आ चुका है, यानी कि जो वैल्यू मैं डालूँगा वो यहाँ डलेगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे कंसोल से वैल्यू को रीड करना है, तो मैं सी इन स्ट्रीम का यूज़ करूँगा। और अब वैल्यू को मैं रखूँगा कहाँ और वैल्यू किस टाइप की है, तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इंटर वैल्यू, तो मैं चाहता हूँ कि कोई इंटीजर वैल्यू डाले, तो मैं उसके लिए यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ए नेम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और मैं जो भी वैल्यू कंसोल से आएगी उसे ए के इनसाइट असाइन करवा दूंगा यहाँ से, यानी कि सी एन रीड करके उसे ए के इनसाइट असाइन कर देगा। अब मुझे वापस इस वैल्यू को प्रिंट भी करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ फिर से सी आउट स्ट्रीम फंक्शन यूज़ करूँगा और आप कोई मैसेज भी यहाँ लिख सकते हैं। तो हमने लिखा यहाँ ए इक्वल्स टू और इसके बाद हम यहाँ पर ए को लिख देंगे और फिर लाइन ख़त्म करने के लिए हम सेमी कॉलम का यूज़ करेंगे। अब इसे मैं कंपाइल और रन करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर पूछ रहा है कि एक वैल्यू डालिए, मैं यहाँ पर 2 डालता हूँ, मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाता है ए इक्वल्स टू 2। तो डियर फ्रेंड, इस तरीके से आप C++ में यूजर से इनपुट ले सकते हैं और उसको कंसोल पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने आपको सी आउट, सी इन और एंड एल स्ट्रीम के बारे में बताया। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।